आज पूरा लद्दाख सड़कों पर है। लद्दाख की जनता भाजपा का मैनिफेस्टो हाथ में लेकर अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। लद्दाख को राज्य का दर्जा दो, छठी अनुसूची लागू करो, लेह और कारगिल को अलग अलग संसदीय सीटें दो, ये नारे आज पूरे लद्दाख में गूंज रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने के बाद राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। इसमें एक जम्मू कश्मीर बना जो विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य था, वहीं दूसरा लद्दाख को बनाया जो बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बना, यानी यहाँ कोई विधानसभा नहीं थी। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि वो यहाँ की नौकरशाही से बुरी तरह से परेशान हो गए हैं और उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलना चाहिए। ये सब तब ही मुमकिन होगा जब लद्दाख पूर्ण राज्य बनेगा। चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि छठी अनुसूची के तहत लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। लद्दाख की जनता को मोदी सरकार और बीजेपी की जुमलेबाजी से तंग आकर सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन अफसोस ये खबर गोदी मीडिया से गायब है। लद्दाख की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सत्ता में बैठे मठाधीश और सत्ता की गोदी में खेल रही मीडिया मौन है। मोदी सरकार ये याद रखे, लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। अगर वो सिंहासन पर बिठाना जानती है तो वो उतार फेंकना भी जानती है।